जय माता दी, जय श्री राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी 9:30 हो रखे हैं, आज है शनिवार और 16 तारीख है। और नहा धो के घर का काम करके रेडी हो चुके हैं, अब जा रहे हैं दरबार में। दरबार में आज पाठ भी पढ़ना है थोड़ा पंडित जी ने, उसके बाद 1 बजे से दरबार शुरू हो जाएगा। तो चलो चलते हैं दरबार, और आज का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूंगी, ठीक है? चलो फिर चलते हैं। जय माता दी। चाय पी लेते हैं तब तक, पहले अभी थोड़ा चाय पी रहे हैं फिर निकलते हैं। तो माता रानी के दरबार में पहुंच चुकी हूं, और यहां पे माला ला रखे हैं, तो सभी भगवान जी को माला पहना रही हूं। और फिर पाठ शुरू करेंगे। हम आए थे तो पंडित जी भी आ गए हैं हमारे आते ही, तो अभी 9:30 से थोड़ा सा ही ज़्यादा और कभी 10 नहीं बजे हैं, और पाठ शुरू करेंगे, और उसके बाद फिर 1 बजे से दरबार भी है। तो चलो आज पूरा ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी, और पहले पाठ पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे जो भी होगा वो सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। महाविद्या महामाया महामोहा च महा महामेघा महास्मित महामोहा च भवती महा महादेवी महासुरी प्रतिष्ठं च सर्वस्य गुणत्रय विभावनी कालरात्रि महारात्रि भोरात्रि श्यामा गौरी मैं को निस दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी तो यहाँ पे पूजा पाठ हो चुकी है और अब दरबार शुरू होगा। सुमन दीदी ये देखो भाई, ये कुछ सेवादार हैं दरबार के भगत, जो ये सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। ये देखो, ये हमारी माता जी हैं। देखो आज बहुत परेशान सी नजर आ रही हैं। ये दीदी हैं और ये माता जी की बहू है। ये मन्नत की मम्मी को आज कुछ ज्यादा गुस्सा आ रहा है। माता जी से लड़ी। और ये सुमन है, और अभी तो कुछ और थे, दो चार पांच जने वो जा चुके हैं, चाय वाय पी लिया हमने। कितना टाइम हो गया मन्नत की मम्मी? बेटा मुझे तो लड़ना ही नहीं है। टाइम कितना हो रहा है अभी? 6 बज गए जी। आज बहुत भीड़ हो रही थी दरबार में।
छह बज के 9 मिनट हो गए हैं जी और इनके साथ बैठी हूँ मैं। देखो सुमन को भी ठंड लग रही है, अभी दरबार की थोड़ा सफाई भी करनी है और व्रत भी है आज। जाते जाते पता नहीं कितना टाइम होगा, खाना बनाना है तो चलो चलते हैं घर को। जय माता दी बोल दो सभी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोलो सुमन। हाँ तो आम मन्नत की मम्मी काली माँ के पीछे पड़ी है। 8 बजने वाले हैं और घर आते ही लग गई हूँ बर्तनों पे। देखो घर दरवाज सब संभालना पड़ता है। बर्तन हो रहे हैं फटाफट, बर्तन निकाल के बना रही हूँ खाना और आज व्रत है हमारा तो फटाफट खाना बनाएंगे, फिर मैं आपको मिलूंगी कल। कल ब्लॉग बनाऊंगी, कल मेरे बच्चे आ रहे हैं दरबार में भजन कीर्तन करने, क्योंकि मेरा बर्थडे था तो आ नहीं पाए थे। उन्होंने बोला हम कल आके कीर्तन करना चाहते हैं, तो मैंने बोला चलो आ जाना। वैसे भी कल दरबार लगेगा, 1 से 3 बजे तक दरबार लगता है, संकट वालों के संकट काटे जाते हैं और उसके बाद कीर्तन अग्रह करेंगे। बाकी का जो भी होगा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। चलो फिर जय माता दी, जय श्री राधे।